दोस्तों आदम कहाँ पे जा रहे हैं? बोटैनिकल गार्डन। 5 रुपए का खाना खाने बोटैनिकल गार्डन। आदम दादी की रसोई खाने जा रहे हैं जो कि 5 रुपए में वहाँ पे मिलता है। और अभी जो टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है? सवेरे का टाइम अभी हो रहा है 11:13। 13 मिनट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे 4 बंदे हैं और हमारी लिफ्ट आदम जा रहे हैं मजे लेने के लिए। 5 रुपए का खाना है पेट भर के। ये देखो हमारी मेट्रो भी रेडी खड़ी है। अरे नहीं 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 पीछे पीछे का नहीं है। इधर ही बैठेगा इधर ही बैठेगा। दोस्तों अब हम मेट्रो में बैठ चुके हैं और जाने वाले हैं बोटैनिकल गार्डन। तो अब वहीं पे जाके अब आपको ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। देखा हैरान हो गया। मैंने सोचा यार ये बंदे जिंदा है कैसे कैसे हैं? भगवान ने भी दुआ दी। क्या आगे जिंदा है? भगवान ने भी बड़ी दुआ दी बेटा जिंदा हो। फिर वो कहेगा अब पीछे वाला लाइन में लगा हुआ है तेरा पेट्रोल भर गया तूने पैसे निकालने से पैसे दे अपना काम कर भाई। लेकिन पीछे वाला मॉल में ये भी होता है अभी भी नहीं कर रहे लोग। नहीं यहाँ तो इसीलिए कराता हूँ ना वो गया ना लेने अगली बार से 5 का सिक्का लाए। अब होता क्या आज तो लाइन नहीं है। जब लाइन होती है ना तो आदमी लाइन में है वो लाइन लगता है मेरे का 5 का सिक्का लेके आओ फिर दोबारा लाइन में लगता है। अगली बार जिंदगी में गलती नहीं करती। ठंडे खिचड़ी लेकिन खिचड़ी यूनिक होती है ऐसी आप नहीं नहीं मुझे इसमें बहुत सारी डिफरेंट वराइटीज आपने मस्त लग रही है। अच्छी लगी मौसम भी मस्त है और बिजली मस्त है। टेस्ट करें अंकल जी खाना 5 रुपए में। तो भाई ये है 5-5 रुपए खाना है ये ठीक है 4 प्लेट है। तो भाई वो ये बताओ ये कैसा लग रहा है? हाँ और अंकल जी ये साइड में खड़े अभी इनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले खा लेते हैं उसके बाद जो अंकल जी से हम टॉक करेंगे ठीक है। दोस्तों हम ये अंकल जी के शॉप में आ गए तो अब हम इसके अंदर जाने वाले तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। कौन से जूते वाला टाइप का था उसके लिए मतलब सबके लिए हटी शादी के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दवाइयों के लिए तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर रोटी कपड़ा और दवाई
अंकल ये चाहिए आजकल में मखाना 10 रुपए में और कम की मिट्टी जल्दी और ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है अच्छा अंकल जी खाने का वो डिपार्टमेंट है अंकल जी बहुत से होगा अंकल जी आप बहुत से होगा कुछ नहीं जो समय पास हो जाए कर देना चाहिए सरकारें करती है नहीं करती उनका एग्जाम्पल सेट कर बताओ इतना बढ़िया ये अंकल जी सोच सकते हो जिसे मिलेगा 10 रुपए में आम बात नहीं होती है ना ये लॉटरी है ना बस ये देखना पड़ता है कि वो बेचे ना आगे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पे और दवाइयाँ भी हैं और ये देखिए ये शेरवानी इस तरह से तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये पहले यूज़ हो भी रखी हैं तो इस तरीके से यहाँ पे रहती हैं असल में सोशल वर्क बहुत पहले से करते आ रहे हैं 20-25 सालों से ये सब तो एक दिन मम्मी की इच्छा हुई बोले कि कुछ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करो बच्चे साथ बैठे हुए थे बच्चे बोले दादी की इच्छा क्यों नहीं पापा शुरू कर देते बस बातों मजाक में दादी की हम लोग 47 सेक्टर रहते हैं यहाँ मेरी दुकान गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत पुरानी है तो बस अपने ये सोचा दुकान के सामने खाना बनवा लेंगे और बांट देंगे मैंने बताया जैसे बच्चों ने कहा दादी की इच्छा है पापा फौरन शुरू कर देते हैं तो ये हुआ नाम क्या रखा जाए तो मेरी बेटी की मुंह से निकला दादी की इच्छा और रसोई पास में ही थी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे हम लोग तो सडनली मुंह से निकला दादी की रसोई नाम अब नाम भी अच्छा लगा हमने चलो दादी की रसोई शुरू कर देते हैं बातों बातों में नाम पड़ गया वैसे में हमेशा मेरे से लोग कहते हैं इंडिया में 300-400 जगह चल रहा है अब ये कंसेप्ट लोगों ने बहुत फॉलो करा है पूरी दुनिया में फैल गया अब तो ये तो लोग मेरे से कहते हैं हम दादी की रसोई नाम रख लें मैंने कहा नाम में क्या रखा है काम देखो ना काम देखो तो चाचा की रसोई रख ले ताऊ की रसोई रख ले किसी की रख ले इसकी रसोई रख ले उसकी रसोई रख ले और सबसे बढ़िया नाम है घरवाली की रसोई वो पूरा साथ देंगे आपकी मिसेज भी आपका साथ देंगे हेल्प करेंगे आपकी तो बेसिकली नाम में कुछ नहीं है काम करो नाम अच्छा लग रहा है दादी की रसोई अपीलिंग है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अगर आप कोई भी नाम रखते हैं और इस तरह का काम करते हैं तो अच्छी बात है अंकल फ्यूचर में अंकल और इसके साथ में आपने देखा यहाँ पर सिविक सेंस भी दे रहे हैं पत्ते आप देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा गंदगी नीट एंड क्लीन मिलेगा एंड दवाइयां भी दे रहे हो दवाई भी 5 रुपए फ्री में कुछ नहीं देता 5 रुपए 10 रुपए कुछ भी ऐसी चीज अब जैसे कोई भी सरकार है दिल्ली सरकार कहती है हम ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे क्यों फ्री कर रहे हो भाई तुम 2 रुपए लो 5 रुपए लो कुछ तो लो ना किसी मतलब ऐसा ना मत देगा कि फ्री में दे रहे हो तुम्हें तो हिंदुस्तान बर्बाद दो ही चीजों में आरक्षण में और इसमें आदमी को इजी कर देना चाहिए ना चीजें सस्ती कर देनी चाहिए थैंक यू बेटा थैंक यू आ जाओ बेटा आ जाओ यहाँ पे आए क्यों थे दादी जी की रसोई देखने और अंकल जी से मिली अंकल जी से बात और अच्छा भी लगा और 5 रुपए वाला खाना खाया बहुत स्वाद भाई बहुत अच्छा लगा यार 5 रुपए वाला खाना खा के जो कि अंकल ने उसके बाद जब हमने घुमा फिरा अंकल से थोड़ी बात करी उनके बारे में हमने जाना उन्होंने बताया कि हमने ये कैसे शुरू किया क्यों करा उन्होंने बताया और वो उनके ना जो विचार है वो भी बहुत अच्छे हैं वो सोशल वर्कर भी रह चुके हैं अपने टाइम में और आज के टाइम पे वो यहाँ पे दादी जी के रसोई लगाते हैं और लोगों की 5 रुपए में खाना खिलाकर हेल्प करते हैं हाँ। और खाने के साथ साथ वो आपको दवाई भी कपड़े भी देते हैं सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और फैला दो दोस्तों इन्हें फैला दो